ऐसा पहली बार नहीं है क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी की दिल का दौरा गिरने से मौत हुई हो, लेकिन हैदराबाद में इस क्रिकेटर के साथ जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को एक वनडे लीग के मैच के दौरान 41 वर्षीय बल्लेबाज वीरेंद्र नाइक की मौत हो गई। वीरेंद्र हैदराबाद के मारापल्ली स्पोर्ट क्लब के खिलाड़ी थे और उन्होंने रविवार को शानदार अर्धशतक भी ठोका था, लेकिन आउट होने के बाद वो पवेलियन लौट गए और वहाँ उनकी मौत हो गई। अंग्रेजी अखबार डेक्कन के माने तो वीरेंद्र नाइक को दिल का दौरा पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक वीरेंद्र नाइक ने रविवार को हुए मुकाबले में 66 रन की बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन अंपायर के एक गलत फैसले की वजह से वह आउट हो गए। वीरेंद्र जैसे ही पवेलियन पहुंचे तो उनका सिर दीवार से टकराया और वो नीचे गिर गए। इसके बाद उनके साथी खिलाड़ी उन्हें कार में अस्पताल ले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। वीरेंद्र सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में आखिरी सांस ली। वीरेंद्र के भाई अविनाश ने पुलिस को बताया कि वह छाती के रोग की दवाई खा रहे थे। जल्दी पोस्टमार्टम के बाद वीरेंद्र का अंतिम संस्कार होगा। PM News 24 की रिपोर्ट।